पेट ठंडा होने से क्या होगा? गर्मी के लिए पेट ठंडा होना जरूरी है। मतलब स्पर्म काउंट वगैरह बढ़ेगा? हाँ, स्पर्म क्या होता है जानते हो भैया? नहीं नहीं कुछ ही बता दे रहे हो फिर। अगर कोई भी बंदा आता है ना यहाँ पे खरीदने के लिए फ्रूट, और अगर ये बोलता है ना कि मतलब मैं अंकित के चैनल से आया हूँ, तो उसे 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, किसके चैनल से आया हूँ? और अभी बज रहा है सुबह के 7:25। मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा है क्योंकि मैं कल से बहुत जोर से भूख लग रहा है यार, खाया नहीं कल से खाया नहीं। अच्छा छोड़ दोगे? हाँ, तो यार क्या है, 8 बजे क्लास है, दत्ता सर का है, अगर क्लास अटेंड, मतलब इतना अटेंडेंस का इशूज होता है ना, इससे अच्छा कि अटेंडेंस ले ही लो, पता है? मतलब यार सुबह क्लास, दुनिया है क्या, जमाना है, फिर क्लास। मतलब कल जब एग्जाम खत्म हुआ ना, इतना स्ट्रेस्ड आउट लगा, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ पढ़ने के लिए। रात को तकरीबन 7:30 सोया, मैं अकेला नहीं सोया, सब अपने रूम में सो रहे थे, सब कोई सो, मतलब इतना स्ट्रेस्ड आउट लगता है ना, मतलब तुम समझ नहीं पाओगे। एग्जाम का मेरा मौसम नहीं चलता यार, जैसे मैटर में अभी खाऊंगा, फिर नहाऊंगा, फिर क्लास जाऊंगा, यार क्लास जाऊंगा मन नहीं करता यार। और दूसरा मुझे बुखार चढ़ गया साला, मतलब दुनिया तो यही हो गया, मतलब खत्म। मिलता हूँ तब तक के लिए, गुड बाय ब्रदर्स। यार तो मैं कर चुका हूँ अपना खाना खत्म, मतलब पाव और भाजी। यार लोग ये लोग ऐसे पाव भाजी बनाते हैं ना, सारा दुनिया में स्वर्ग में कोई नहीं खाया होगा, इतना फालतू लगता है, क्या करें, खाना पड़ता है। और एक बात, ये पाव भाजी खाओ ना, इतना पेट में गुड़गुड़ करता है, क्लास जाने का मन नहीं करता है। इसलिए ना हर वक्त सुबह सुबह अच्छा खाना चाहिए यार, इधर तेल वेल लगा के देते हैं। मेरे पास इतनी खाना खत्म हो गया था, मैं खाया, वरना मैं कभी नहीं खाता सुबह सुबह का, मतलब इतना तेल देते हैं ना, इतना तेल देते हैं। तो यार अभी अच्छा खाना नहीं लग रहा है, लेकिन डजंट मैटर, मुझे अभी फिर क्लास जाना है, क्योंकि क्लास नहीं जाऊंगा तो फिर मेरा फट जाएगा, अगर नहीं फट, क्योंकि फटेगा ना, कॉमन सेंस चीज है अटेंडेंस इश्यूज, तो अटेंडेंस के लिए तो मुझे क्लास जाना ही पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मैं रेस्ट कर जाता हूँ, नहाऊंगा तो पूरे में, आज छुआ मिला के 15 दिन में नहीं नहाया। तो बेसिकली हमारा जो क्लास होता है ना, वो ठीक 8 बजे होता है, अभी 8:05 अभी मुझे भी, मैं जा रहा हूँ, सोच पा रहे हो, मतलब अभी पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट लग जाएगा भाई, मेरा फर्जी का फट रहा है, मतलब भाई भाई भाई, क्योंकि पता है टीचर्स लोग ना अटेंडेंस ले जाते हैं, अगर अटेंडेंस ले जाओ तो फिर टेन में पहुंचने फायदा क्या है, मैं ये सोच जल्दी आ चुका है बस, और क्या, सच्ची बता रहा हूँ यार, इतना मतलब फालतू लगता है ना, मतलब तुम समझ नहीं पाओगे यार, ये अटेंडेंस भाई भाई यार, अटेंडेंस इश्यूज, दिस इज लाइफ ब्रो। मतलब क्या होता है ना हमारे कॉलेज, मतलब मेडिकल में एक चीज़ कॉमन होता है, मतलब यार आपको ना अटेंडेंस का इश्यूज बहुत होता है, क्योंकि इतना प्रेशर आता है ना, फिर उसमें ना बच्चों को पढ़ना भी है, मतलब तुम समझ पा रहे हो कौन सा लेवल का, तो बस चलना है आज, तो मुझे पता ही नहीं कि मतलब मैं पहुंचूंगा ठीक टाइम में या नहीं, लिटरली फटके 4 हो गया मेरा, डजंट मैटर, इतना तो कर ही लेंगे ना। तो बेसिकली क्या होता है ना, आगे हमारा डेंजर जोन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ वो एक जगह है ना जहाँ पर जूनियर्स और सीनियर्स का मीटअप होता है, मीटअप मतलब सीनियर्स अपने रूम से जाते हैं, जूनियर्स अपने क्लास के लिए जाते हैं, तो एक्चुअली वो पॉइंट है जंक्शन की तरह जहाँ पे सब कुछ जाते हैं, दिखाता हूँ कुछ ही सेकंड में। बेसिकली पीछे जगह देख रहे हो, ये जो जगह देख रहे हो, ये जो जोन है ना, ये डेंजर जोन है, मतलब पहले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से सीनियर्स जाते हैं, और बस भाई अगर पकड़ लेते हैं तो मैं तो डर जाता हूँ भाई, क्या पता। तो बेसिकली देखो तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ, जब मुझे फंसा मत देना बस। तो ब्रो ये एक्चुअली अपना कैंपस है किम्स का, मैं पहुंच चुका हूँ भाई, भगवान के लिए मैं तो पहुंच लिया, अंदर का व्यूज नहीं दिखा सकता हूँ, थोड़ा मुझे फ्रेशर्स होने दो, उसके बाद खुद दिखा दूंगा। यार मुझे तो लगा ना कि क्लास शुरू हो चुका है, मेरा तो फटके 4 हो गया था, लेकिन सर ने मुझे अलाउ कर दिया, जब मैं अटेंडेंस के लिए पूछा तो ये अटेंडेंस तो गिरा ही नहीं, सबसे बढ़िया बात यही है, सच्ची बता रहा हूँ, कट जा रहा है। तो क्या होता है ना, मैं अपने दोस्तों को पूछा कि यार मतलब क्लास से अटेंडेंस ले चुके हैं, तो फिर वो बोलते हैं, तो दोस्तों ये बोले कि अटेंडेंस ले चुके हैं, भाई मेरा तो फट गया, मैं बोला साला गया मैं आज, फिर उसके बाद पता चला कि अटेंडेंस नहीं लिए, ये दोस्त लोग कमीने होते हैं। कमीने दोस्तों से दूर रहो, आपके लिए सबसे बड़े एडवाइस है। तो यार अभी 11:05 बज रहा है, हमारा क्लास हो चुका है खत्म, मतलब कुछ इंटरनल्स बातें होते हैं जो बता नहीं सकता हूँ वीडियो में, तुम खुद आओगे ना तो यार समझ लोगे, ठीक है? तो अगर ये अलग छोड़ो, हाँ तो क्या है, मतलब ज़्यादा गर्मी है, कुछ ज़्यादा
पढ़ाई करनी है यार। मेडिकल इतना बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है ना, मतलब क्या बताऊँ। मतलब यार खुद टीचर बोलता है कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे, हम भी थक चुके हैं, तुम आना क्लास में बैठ के चले जाना, समझ पा रहे हो। एक्चुअली मेडिकल इज द टफेस्ट हेक्टिक शेड्यूल होता है, पता है, दिन रात काम करो, फिर कोई महीने के बाद तुम्हें कोई 150,000 मिलेगा, उसी में तुम अपने घर संभालोगे, मतलब समझ पा रहे हो। मतलब कोई बंदा क्यों, अरे यार। तो यार मैं अभी पहुंच चुका हूँ लिफ्ट के अंदर हूँ, और अभी फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, और मैं अपने रूम को पहुंच जाऊंगा, और यही तो मजा है। पता है यार सबसे बड़ा चीज क्या होता है, रूम को आने का फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सप्रेशंस, इमोशन एक अजब अजब लेवल का होता है, पता है। मतलब तुम समझ नहीं पाओगे यार, इतना अच्छा लगता है ना रूम के वो फीलिंग्स और वो जो वो सांस सांस। यार अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, और बस 2 मिनट में मुझे जाना है, 12 बजने वाला है, अभी 11:58 हो चुका है, मुझे जाना है, वरना मैं तो आज मेरा गया भाई। दरअसल क्या होगा, अगर आप जल्दी जितना जल्दी पहुंचोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। देखो जब तुम आओगे ना यहाँ पे तभी तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, सब चीज मैं तो खुल के नहीं बता सकता ना, कुछ प्राइवेट भी होता है यार। तो बस मुझे जितना जल्दी हो सके जाना है, वरना भाई आज तो मैं पूरा मरा जाऊंगा। चलते हैं फिर आगे। तुम्हें पता है सबसे बढ़िया मुझे क्या लगता है, पता है, वो सीनियर जूनियर जंक्शन जो है ना, जहाँ पे एक सीनियर मिलता है अपने जूनियर के साथ, भाई वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, पता है। मतलब इतना देर पहुँचते हो, फिर अगर कोई सीनियर पता नहीं आना, एक्चुअली देख सब कोई समान होते हैं, पर आपको क्या करना पड़ता है ना, मतलब क्या बताऊँ यार, तुम भी कॉमन सेंस से चीज़ सोचो ना यार, लोग देखते हैं ना तो मुझे बड़ी हंसी आ जाता है, फिर मैं बना नहीं पाता हूँ। हाँ तो मैं वही बोल रहा था ना कि अगर सीनियर आपको देख लेता है ना भाई, वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ बोल देंगे ना, फिर दुखेगा, इसलिए ना मुझे वो सीनियर जंक्शन वाला ना बहुत डर लगता है भाई, पता नहीं कौन कब क्या देख ले भाई। सच बोल रहा हूँ यार, फट के चार हो जाता है। अभी अभी जस्ट मैंने 11 बजे आया, फिर अभी मुझे 12 बजे जाना है, मतलब अगर नहीं जाओगे तो फिर तुम अपना देखना भाई, मतलब सच के ऊपर फट जाता है, तुम लोग नहीं समझोगे यार। मतलब 2 किलोमीटर चल के आओ, फिर 2 किलोमीटर चल के जाओ, मतलब यहाँ पे तो मेरा एक्सरसाइज हो जाता है, और ड्राइवर को पकड़ पकड़ के मेरा तो पूरा मतलब क्या होता है पता, वो जो मतलब डंबल्स होता है ना, वो डंबल एक्सरसाइज मेरा वहाँ पे ही हो जाता है। ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये एक्चुअली अपना फूड मतलब खाना खाना बनाया जाता है ना, तो ये तभी काम आता है खाना बनाने के लिए। अभी आ चुके सीनियर जो भाई, वो जंक्शन आ चुका है, मैं थोड़ा ब्लॉगिंग भी कराओ वरना मेरा फटेगा। पता है यार तुम लोग कितने लक्की हो, पता है, मतलब जब तुम्हारे लिए ब्लॉगिंग बनाता हो ना तभी सीनियर्स कोई आते नहीं है, मतलब यू आर ऑलमोस्ट वेरी लक्की। ये पीछे देख रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन है, हमें दिख नहीं रहा। हाँ तो मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, और क्या करना है भाई। देखो ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये बेसिकली यहाँ पे सीनियर्स लोग घूमते हैं, क्योंकि अपने कैंपस से पूरा बाहर है, तो बहुत डर लगता है, क्या पता कोई सीनियर देख ले भाई। मैं तो डर के मारे मेरा मतलब छोड़ यार, कुछ नहीं बोल सकता। क्या होता है ना यार कि मतलब एक तो यहाँ पे 40 डिग्री का घर भी रहता है, फिर ये लोग नारियल वाले ना 40 रुपया ले जाते हैं, मतलब यार बहुत दुखता है यार, मतलब इतना परिश्रम करके पैसा, मतलब एक तो यहाँ पे जा रहा है, फिर वहाँ पे मतलब सोचो कहाँ कहाँ पे जाता है पैसा यार। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ ना, अभी देखो अभी बहुत पैसा जा रहा है यार, मतलब क्या होता है ना, मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा मैं वो ना मतलब ना, अरे वो क्या होता है, केला खरीद लूँगा, क्योंकि यार मतलब क्या होता है ना बहुत हेक्टिक लगता है यार, सुबह जाते हो फिर अभी देख साउंड नहीं आता होगा, फिर अच्छे से छोड़ो यार, मतलब रियली यार बहुत टफ है शेड्यूल है यार, मतलब भूख इतना लगता है ना, मतलब बंक मारना, भूख लगना, ये सब कॉमन सेंस का चीज़ हो चुका है, पता है, मतलब अलग लेवल का लग रहा है यार। मतलब कुछ अभी जाता हूँ मैं केला खरीदने के लिए, मतलब फिर यार फिर सच्ची का बहुत गुस्सा आता है। ये पीछे फल का दुकान देख रहे हो, मतलब यहाँ पे मतलब सोचो कितना कुछ मिलता है, लेकिन हम नहीं खरीद पाते यार, इतना पैसा नहीं होता है ना, तो बस केला ही खरीद के जाते हैं, हमें और दूसरों में बस इतना डिफरेंस है, हम केला ही खरीदते हैं भाई दिन रात, मतलब चलो केला खरीदते हैं, केला भाई स्पर्म काउंट बढ़ेगा। मतलब यार होता क्या है ना कि अगर आप ज़्यादा पक्का केला ले जाते हो ना, वो ख़राब हो जाएगा फिर कभी ना कभी, तो इसलिए ना आप ज़्यादा अगर मतलब रॉ केला लेते हो तो वो कुछ कभी ना कभी कुछ मतलब कुछ दिन तो रह ही जाता है, तो मज़ा आता है फिर मतलब खाने में, वरना फिर वो पिचकू हो जाता है, और कैसे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब वो केला का फीलिंग टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए पूछना पड़ता है कि यार मतलब केला रॉ है या फिर पक्का है।
मतलब यार तुम लोग नहीं समझ पाओगे यार, मतलब एक तो हमें इतना मतलब तेल खाना होता है ना, तो ज़्यादा तेल हो जाता है तो फिर मतलब तुम समझ नहीं पाओगे यार, सुबह सुबह तेल ज़्यादा खाते हो ना, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कीचड़ खा के जा रहे हैं, तो फिर ज़्यादा खा मतलब केला ज़रूरी होता है यार, मतलब पूरा एनर्जी देने के लिए बहुत थकान लग जाता है ना, तो बस केला खाओ यार, मज़े करो, स्पर्म काउंट बढ़ाएगा भाई केला, स्पर्म काउंट बढ़ाएगा, केला खाओ अभी देखो, मतलब अलग लेवल का मज़ा आता है यार, मतलब देख पा रहे हो यार, मतलब पूरा ऊपर से नीचे ना पूरा गीला गीला लग रहा है, मतलब इतना गर्मी होता है ना, मतलब बहुत गर्मी होता है यार, चिपकू सा लग रहा है। फिर वाटरमेलन खाऊंगा, क्यों खाऊंगा, क्योंकि यार अलग लेवल का फीलिंग आता है ना, मतलब तरबूज खाते हो ना, तो तरबूज खाओगे ना तो फिर पेट थोड़ा ठंडा रहता है। भैया हिंदी आता है आपको, ये बताओ ना तरबूज क्यों खाते हैं? पेट ठंडा करेगा, पेट ठंडा होता है, पेट ठंडा होने से क्या होगा? गर्मी के लिए ठंडा होना जरूरी है, मतलब स्पर्म काउंट वगैरह बढ़ेगा। हाँ स्पर्म क्या होता है जानते हो भैया? नहीं नहीं कुछ ही बता दे रहे हो फिर यार, एक चीज तुम समझे क्या होता है यार, आए या ना आए बस हाँ बोल दो बस, मतलब देख रहे हो लोगों को यार, मतलब बस यही दुनिया चल रहा है, कुछ भी बोल दो, हाँ भाई सही, अच्छा छोड़ो जो भी हो, ये देख पा रहे हो क्या, अबे खाओगे क्या, नहीं खा पाओगे, छोड़ो जो भी हो, तो ये मज़ा आता है पता है, मतलब अलग लेवल का फीलिंग, हम उड़िया होता है ना, क्योंकि हम उड़िया होता है तो इसका अलग लेवल का फीलिंग, देख पा रहे हो कितना रसीला है पता है, कितना रसीला ना, तुम कभी समझ नहीं पाओगे, मतलब कुछ अलग समझ आया, खाओगे यार, मतलब भाई मुझे इतना हंसी आता है ना, लोग देख रहे हैं मैं बना रहा हूँ, मेरा केला कहाँ है मुझे पता नहीं, मेरा केला मतलब आने वाला केला यार, हाँ रसीला है, स्वीट टैंगी ऑरेंज टेस्ट, ऑरेंज ऑरेंज जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना जैसा जन्नत से आया हूँ भाई, ऐसा लग रहा है जैसा मेरा बच्चा जो होगा ना बहुत बढ़िया होगा, ये देख रहे हो कितना स्वीटी स्वीटी टेस्ट है पता है, मतलब पूरा पूरा फाड़ 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 परफॉर्मेंस, फाड़ फाड़ परफॉर्मेंस भाई, मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा, लोग देख रहे हैं मेरा फटके चार हो रहा है, लेकिन तब भी मैं बना रहा हूँ, मतलब सोचो ना सबके आगे मैं खा रहा हूँ बना रहा हूँ, एंजॉय एंजॉय लाइफ इज फुल एंजॉय, ठीक है एंजॉय नहीं करते हो बकवास है बकवास, मतलब अगर आप मेडिकल लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाए ना क्या फायदा डॉक्टर होके, बताओ डॉक्टर बनना है ना पूरा बढ़िया से बनना है, ठीक है डरना बनना किसको नहीं, आएंगे तो पेलेंगे साले पूरा मिलकर सब, अरे मतलब यार मैं ये नहीं बोला कि सबको पेलो, लेकिन अगर तुम्हें कोई पेलता है उसे दबा के पेलो, हम भी डॉक्टर इंसान ही होते हैं, ठीक है ज्यादा बोलेंगे ना, अबे जिसे भी बोलो यार डॉक्टर कम्युनिटी इतना स्ट्रांग होता है ना, मैं तो कोई पेल दे आके तुम्हें मैं देखूंगा कौन तुम्हें बचाएगा नहीं, हाँ कहीं कहीं हो जाता है तो डजंट मैटर चलता है राजा, मैं जैसे बंदे को कभी देखे हो, मतलब गाड़ी पीछे जा रहा मैं मेरे वीडियो बना रहा हूँ, यही तो लाइफ होता है, और क्या यार पढ़ा दिन रात पढ़ के कुछ फायदा है, बाप ने पैसा दिया मैं क्लास में पढ़ा, बाप का पैसा मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जैसे बंदे को देखो यार तो बाप के पैसा में कर दो, लाइफ दिस इज लाइफ, मेहनत कोई और करेगा एंजॉय कोई और करेगा, लाइफ चलता है, अगर कोई भी बंदा आता है ना यहाँ पे खरीदने के लिए फ्रूट और अगर ये बोलता है ना कि मतलब मैं अंकित के चैनल से आया हूँ तो उसे 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है किसके चैनल से आया हूँ अंकित अंकित, ठीक है 20% डिस्काउंट पक्का, देखो यार ये बंदे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे फ्रूट बेचते हैं लेकिन बढ़िया मिलता है 20% डिस्काउंट, ठीक है चलो ठीक है, पता है यार इन लोगों के साथ बात करो ना, इन लोगों के साथ कुछ ये करो मतलब बहुत अच्छा लगता है पता है, ऐसा लगता है हाँ, तो ऐसा लगता है ना कि मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, फीलिंग्स बहुत अच्छे आते हैं यार, कुछ नहीं करना बस, कोई भी सीनियर्स आए ना उन्हें गुड आफ्टरनून बोलना, जो भी होगा रिस्पेक्ट देना यार, कोई भी कुछ नहीं करेगा लेकिन अगर तुम रिस्पेक्ट देखो यार, रिस्पेक्ट देना कर्सी होता है, अभी ये तुम्हें अगर सीनियर सिखाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या, मतलब ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होता है, अभी कोई आके तुम्हें बता रहा है कि यार ये करो वो करो, मजा आता है क्या, तुम खुद अपना बनाओ बनाओगे ना, अरे मतलब रिस्पेक्ट दो तुम्हें भी रिस्पेक्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे मिलेगा, बना मरा हो यार, बस अपने कैंपस से निकल चुका और अभी जाना है घर को, मतलब 11 बजे 12 बजे आया, सीनियर्स आ रहे हैं भाई सीनियर्स, बाद में बात करता हूँ, मुझे पता नहीं यार लेकिन क्या पता मेरा ना सीनियर से बहुत फटता है भाई, मुझे सीनियर्स आज तक हाथ नहीं लगाया लेकिन पता नहीं मैं जब भी सीनियर को देखता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है भाई मैं तो फंसूंगा भाई, मतलब ये जो फीलिंग होता है ना, जो आपका रिस्पेक्ट होता है सीनियर्स के प्रति, वो जो डर रहता है ना, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा डर है, बिल्कुल भी डर नहीं है यार, डर रहना चाहिए पता है, मतलब
वो जो रिस्पेक्ट है ना मेरा सीनियर्स के प्रति, वही मुझे आगे बढ़ा देगा। अभी तुम्हें लगेगा यार ये बंदा क्या चुतिया भी कर रहा है, लेकिन एक दिन तुम यहाँ ही देखोगे कि मेरा रिस्पेक्ट सीनियर्स के लिए जो है ना वही मुझे आगे बढ़ाएगा। यार तुम भी कुछ सोचो, आज तुम अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं दोगे बहन, कल वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो फिर तुम अपने मराते रहो भाई, मतलब और कुछ नहीं होने वाला। बस यार तुम रिस्पेक्ट दो, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा, बढ़ना भाई। भाई सच्ची बता रहा हूँ, हर वक्त ना रिस्पेक्ट देना सीखो यार, तुमसे जो भी बड़े हैं, शायद वो तुम्हारे चच्चे हो जो भी हो, भाई रिस्पेक्ट देना सीखो यार। जैसे कि तुम आ जाते हो कंधे पे हाथ लगा के बैठ जाते हो, जैसे क्यों यार, तुम्हारे रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हें कोई कर्सी नहीं सिखाया गया, तो यार रिस्पेक्ट देना सीखो। अगर पता है मेरे को एक भी सीनियर्स कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों पता है, मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ। अभी पता है वो जो फीलिंग होता है ना ये रिस्पेक्ट देने का, यार गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी हो, मतलब अलग लेवल का फीलिंग है भाई। मतलब कभी तुम ट्राई करना यार, जैसा लगता है ना मतलब दुनिया जीत जाऊँगा भाई मैं, मतलब नहीं समझोगे यार, अलग लेवल का फीलिंग है भाई। मतलब कुत्ता देखो ये जो है भाई, कुत्ते भाई, कुत्ते लोग डर जाते हैं, कुत्ते कहाँ गए। यार पता है ये कुत्ते जो होते हैं ना इतना फ्रेंडली होते हैं ऑनेस्टली, मतलब इंसान इनकी तरह हो नहीं सकता, पता है इतना मुझे अच्छा लगता है ना कुत्तों के साथ मिलके। ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं कुत्ता हूँ और मैं भाव भाव करूँगा, और मुझे खुद लगता है जैसे कि मैं कुत्ता हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब तुम्हें लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे कुत्ता, अभी कुत्ते इतने लॉयल होते हैं, इंसान भी उतना लॉयल नहीं होता है। देखो जहाँ पे भी जाओ चोरी कर देता है, कोई किसे मार देता है, पर कुत्ता को देखो तुम्हारे छोड़ो यार, खानदान से भी ज़्यादा बड़ा होगा वो, मतलब लॉयलिटी में बहुत अच्छा लगता है यार कुत्तों के साथ मिलकर, अलग लेवल का एक्सपीरियंस। यार मैं अपने लिफ्ट के अंदर पहुंच चुका हूं और तुम देख रहे हो कितना पसीना पसीना चिपकू सा लग रहा है, मतलब यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, मतलब चिपकू चिपकू सा लग रहा है यार, बता रहे यार, मतलब तुम देख रहे हो मुझे, मतलब बहुत थकान सा महसूस होता है। डजंट मैटर, ये तो सब होगा, 5 साल तक देखते रहिए, बनते रहिए, और ये ब्लॉग बनाते बनाते ना। हाय ब्रो, और ब्रो शादी कब कर रहा है बता, तू कर ले पहले, मैं खा लूं। देखो मेरा शादी अभी नहीं होने वाला है, ठीक है, वो मजाक कर रहा था, तो मेरा शादी बाद में होगा, मतलब अभी मेरा 20 साल हुआ है ना, मैं 50 साल की उम्र में शादी करूंगा, चिंता मत करो, पूरे 50 साल तक बच्चों का ब्लॉग नहीं आएगा, मेरा अकेला ब्लॉग आएगा। तो गाइस आई एम फाइनली बैक टू माय रूम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई हैव अचीव्ड द ग्रेटर कॉम्प्लीमेंट। अरे नहीं मैं इंग्लिश भी बोलता ना, बोल नहीं पाता मुझे। हाँ तो क्या बोला कि मैं रूम को आ चुका हूँ यार, और रूम को आने का मतलब तो कुछ और ही होता है ना, बोला था ना। हाँ तो मैं ये बोलता हूँ कि अपन क्लास से आए, अभी 1 बज रहा है, फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे, खाएंगे, 2 बजे में चले जाना है। तुम सोच रहे हो कितना हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब यार सुबह गए 7 बजे से, आएंगे शाम के 5-6 बजे तक, समझ पा रहे हो, फिर यहाँ पे बैठेंगे थोड़ा सोएंगे, 7-8 बजे का 8 से 12 कुछ पढ़ो, फिर 9 से खाना, मतलब फिर अरे मतलब इतना बोरिंग लगता है ना। बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम जीवन में बहुत उन्नति करोगे, तुम जितना बच्चा कर सकोगे वो बच्चा करो, जितना अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। गौर से देखो इस डब्बे को, देख रहे हो कितना कितना बिस्किट गिरा है, यहाँ पे देखो, देख रहे हो कितना मिक्सचर गिरा है, मतलब समझ पा रहे हो, मतलब ये देख पा रहे हो, ये जो डब्बा है ना पीछे दोनों तो देखे तुम लोग, ये मेरा रूममेट का है, मतलब एक तो बाहर कोई खाना रखता नहीं है और दूसरा कोई बंदा रखा है, मतलब मुझे देख के मतलब भूख लग गया, मुझे लगा यार बढ़िया बढ़िया चीज रखा है, पर देखो इतना कम रखा है, मतलब समझ पा रहे हो, मतलब तुम समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, इतने कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं, मतलब क्या बताऊँ यार, थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा, इतना इतना सा रखा है, मतलब अभी उसमें क्या करूँ मैं, मतलब पेट से पैदा करो, जो करना है करो, देखो मैं पागल हो चुका हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू हैव सम डीप स्लीप, डीप स्लीप बहन की बच्चे, बहन की बच्चे, हाँ तो डीप स्लीप, अरे यार हाँ तो मैं अभी जाऊँगा खाने के लिए, क्लास क्लास अटेंडेंस, अरे अटेंडेंस नहीं देगा ना बेटा, पूरा मरा जाओगे तुम, बोल रहा हूँ समझ नहीं पाओगे फिर क्या। यार तो मेरा रूममेट का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, उसे सर्दी पकड़ दिया है, क्योंकि देख रहे हो मौसम चेंज हो रहा है ना, मतलब खुद को मतलब संभाल के रखो यार, पता नहीं आजकल किसे भी सर्दी पकड़ देता है, तो अपने तबीयत को अच्छा रखोगे तभी ना पढ़ पाओगे, समझ पा रहे हो। तो यार फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम को, और वो रूम को पहुँचने में जो खुशी अनुभव होता है ना, मतलब अलग लेवल का होता है, पता है, मतलब यार इतना तुम स्ट्रेस आउट होके होगे ना, फिर ये सब एंजॉय कर रहे हो, तो उसका लेवल कुछ अलग होता है यार, मतलब सच्ची बताओ, देखो पीछे देखो, मतलब देख रहा एक्सपीरियंसिंग द ट्रेवल। हाँ तो क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ तो अबे मैं भूल गया, मतलब यार इतना सुंदर हवा दे रहा है ना, आपकी मन कर रहा है, पता है क्या
मतलब रूम को ही ना जाओ यार, देख लो कितना सुंदर नजारा है भाई, मतलब अलग लेवल का एक्सपीरियंस, अलग लेवल का एक्सपीरियंस। हाँ बोल सकते हो, क्या पता यार सबसे बड़ा बात क्या होता है पता है, मतलब इतना सुंदर हवा आता है ना, मतलब यार क्या बताऊँ यार, मतलब मन ही नहीं करता। देखो ये क्या, देखो देखो आजकल क्या चल रहा है, मतलब सबका तबियत आजकल खराब हो जा रहा है, मतलब इसलिए ना अपने आप को संभाल के रखो, वरना यार तुम लोग भी मराओगे सबको ही। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रहा है यार, हर वक्त ना मतलब इतना स्ट्रेस रहते हैं ना लोग, मतलब यार ये मेडिकल कोर्स ऐसा ही है यार, तुम लोग जब भी जाते हो ना इतना स्ट्रेस रहते हो। अभी तो शुरुआत है यार, अभी तो तुम्हें इंटर्नशिप करना है, फिर पता नहीं क्या 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 करना है। मतलब 5 लाख रुपया देंगे उसके बदले में तुम्हारे 1 करोड़ रुपया का, मतलब पता है। लेकिन तब भी ये अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, जिसे जाना है आओ यार, बहुत बढ़िया है, सब मिलके मनाएंगे। सच बता, मिलके मनाएंगे तो मजा आएगा ना, अकेले अकेले मनाने में कुछ मजा नहीं आता, मिलके मनाएंगे। तो यार मैं अब का ब्लॉग करता हूँ एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ जी। तब तक के लिए अपना तबीयत को संभाल के रखो और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यार आज मैं कुछ ज्यादा ही गोरा दिख रहा हूँ यार, मेरा चिकनी चमेली के जैसा, हाँ कितना गोरा दिख रहा होगा सच्ची का यार, इतना गोरा तो अपने जीवन में किसी को नहीं दिखता।